الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. आज हम इंशाअल्लाह ताला उन सहाबी रसूल के बारे में जानेंगे जिनको हिब्बु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब। ये वो सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे होने का शर्फ भी एक जमाने तक हासिल रहा, और ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया। इनके अलावा कोई सहाबी ऐसे नहीं है जिनको नाम लेके कुरान में मेंशन किया गया। ये कितने बड़े एजाज की बात है। हालांकि बहुत सारे सहाबा बहुत बड़ी शान वाले हैं, जैसे आप अशरा मुबशरा के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर, अली, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब खुलफाए राशिदीन में से हैं, और इनका भी जिक्र कुरान में नाम लेकर नहीं किया गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आया लेकिन जमीर के थ्रू आया, नाम नहीं लिया गया, मगर सूरह अहज़ाब में आप इनका नाम पढ़ चुके हैं। और ये कौन सहाबी हैं? जैद बिन हारिसा। इनका नाम जैद, कुन्नियत अबू उसामा, हिब्बु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका लव। इनके वालिद का नाम हारिसा और वालिदा का नाम सौदा था, सीन के साथ, जैसे साद लिखते हैं उसके बाद या लगा दें। सौदा बिनते सालबा। तो इनका नसब क्या हुआ? जैद बिन हारिसा बिन शराहबील, जैसे शरजील लिखते हैं इसी तरह शराहबील। और आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कुरैश में से नहीं है, बनु कुजा में से हैं। बनु कुजा इनके कबीले का नाम है। कौफ कैंची वाला, दौद जैसे सौद दौद होता है, अलिफ आइन और हुदा, इससे इनका ताल्लुक था, और ये यमन का बड़ा मुआज़्ज़ज़ कबीला था। इनकी वालिदा सौदा बिनत सालबा बनी मान से थी, जो एक और कबीला कबीला था की एक शाख थी। ये अपनी वालदा सौदा बिनत सालबा के साथ उनके कौम से मुलाकात के लिए, उनके मक्के में मुलाकात के लिए जा रहे थे, और अभी रास्ते में ही थे कि वहां पे आपको पता है कि उस जमाने के अंदर कत्लो गारतगिरी कितनी आम थी, खास तौर पे काफलों को लूट लिया जाता था। तो इनके बनु कल्ब जो एक कबीला था उससे दुश्मनी थी इनकी, और इस कबीले ने हमला किया और इनको अगवा कर लिया, इनको साथ ले गए और ले जाकर और भी चीजें लूटी, लूट मार की, लेकिन इनको साथ ले गए। दुश्मनी जब होती है आपको पता है तो इस तरह की चीजें होती भी हैं। अब वैसे अरब लोग जो थे वो अरबों को कभी गुलाम नहीं बनाते थे, लेकिन यहाँ पे जाहिर है दुश्मनी की बात थी, तो इसलिए वो बच्चा भी उठा के ले गए और ले जाकर, उस जमाने में तो बहुत आम था, ले जाकर उकास के बाजार में बेच दिया। उकास का बाजार आपने नाम सुना होगा ना, मक्का में, आइन काफ अलिफ और जोए। अब वहां पर जब इनको बेचा गया तो एक सरदार हकीम बिन हज्जाम बिन खुवैलद ने 400 दिरहम में इनको खरीद लिया। ऐसा ही किसके साथ हुआ था? यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो बिके थे ना बाजार में, तो उनसे मिलती जुलती एक स्टोरी हो गई कि हकीम बिन हज़ाम जो कौन है, ये हजरत खदीजा के भतीजे, हज़ाम हजरत खदीजा के बड़े भाई हैं, खदीजा बिनते खुवैलिद है ना,
हिजाम बिन हुवैलिद, उसी से आप जान गए होंगे। तो हकीम जो थे बड़े मालदार थे, उन्होंने और भी कई गुलाम खरीदे और उनको लेकर आ गए। अब ये कहा जाता है कि इनकी फूफी हतीजा रजीला ताला ना, उनकी खिदमत में इन्होंने तोहफतन दिए। ये भी बाज किताबों में लिखा हुआ कि वो खुद इनके घर तशरीफ लाई इनसे मिलने के लिए। तो इन्होंने अपनी फूफी से फरमाया कि आप, मैं गुलाम खरीद के लाया हूँ, आपको जो पसंद हो इनमें से आप मेरी तरफ से तोहफा ये रख ले। तो उन्होंने तमाम गुलामों में से जैद बिन हारसा का इंतखाब किया। थोड़े ही अरसे के बाद हतीजा रजी अल्लाह तआला की शादी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई, इस मौके पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में जैद बिन हारसा दिए। अब देखिए, गुलाम भी ना इस तरह चीजों की तरह ही होते थे कि चीज जैसे किसी को देते, तो ये भी एक बड़ी महंगी कमोडिटी समझे जाते थे। तो इनकी खुश नसीबी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ये आ गए। उधर इनकी माँ को तो पल भर के लिए चैन नहीं था, इनकी गुमशुदगी के गम में रो रो के बेहाल हो चुकी थी, कभी आंसू खुश नहीं होते थे, और हर वक्त इसी सोच में रहती थी कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वालिद का भी यही हाल था कि गम की शिद्दत से वो बस हर वक्त उनका ये था कि इनकी तलाश करते रहते थे, कोई जगह नहीं छोड़ी थी कि कहाँ से ढूंढ लाए इनको। तो मुल्क का कोना कोना छान मारा था, हर गुजरने वाले काफले से भी इनके वालिद पूछते थे कि मुझे बता दो, अगर मेरा बेटा तुम्हें कहीं नजर आया हो, उसको क्या जमीन निकल गई, आसमान उचक ले गया, कहाँ चला गया मेरा बेटा। और आप देखें आज भी किताबों के अंदर इनके वालिद के अशार लिखे हुए कि जो उन्होंने अपने बेटे की जुदाई में कहे। और आपको पता है कि इंसान के कोई रिश्ता भी अगर दुनिया से चला जाए फिर भी सब्र आ जाता है, लेकिन अगर गुम हो जाए कोई तो बहुत ही मुश्किल होती है कि सब्र भी नहीं आता, खास तौर पे औलाद। और आप देखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम का भी तो यही हाल हुआ था कि रो रो के अंधे हो गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में। इनके वालिद अशार कहते हैं, तो कहते हैं, मैं अपने लखते जिगर की गुमशुदगी पे आंसू बहाता हूँ, मुझे इल्म नहीं उस पर क्या गुजरी, क्या वो जिंदा है कि उसकी आमद का इंतजार करूं, या मौत के बेरहम पंजे ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। बखुदा मैं नहीं जानता मेरे बेटे तुझे क्या हुआ, मैं तो हर राही से पूछता हूँ, तुझे नरम जमीन ने अपने दामन में छुपा लिया या बुलंदों बाला पहाड़ों ने। आफताब अपने तुलू के वक्त बेटे की याद दिलाता है और गुरूब के वक्त फिर उसकी याद ताजा कर देता। मैं रूए जमीन पर तेरी तलाश में ऊंट पर सवार सरगर्दां फिर रहा हूं, और मैं इस सरगर्दानी से थक गया हूं। बेटे जिंदगी भर तेरी तलाश जारी रखूंगा, यहां तक कि मुझे मौत आ जाए। बिल आखिर हर शख्स को फना होना है, अगरचे उम्मीदें उसे धोखे में मुब्तला रखे। तो ये चंद अशआर थे जो उन्होंने कहे, और फिर आखिर में ये भी कि मैं कैस और उमर दोनों को उसकी तलाश की वसीयत करता हूँ, और यजीद को भी फिर इनके बाद जबल को वसीयत करता हूँ। ये जबल उनका सबसे बड़ा बेटा था, जबला बिन हारसा, कि उनको भी मैं नसीहत करता हूँ, इनके भाइयों को, कि वो इसकी तलाश जारी रखें। सुभान अल्लाह, कितना ज्यादा एक मोहब्बत का आपको और दुख भी इन अशार में पता चल रहा है कि कितने हैं वो माँ बाप दुखी हुए। तो कहा जाता है कि बाज किताबों में 8 साल इनकी उम्र उस वक्त की लिखी हुई है, बाज में 12 साल लिखी हुई है। तो यानी कुछ ऐसी उम्र थी कि इतने छोटे नहीं थे कि उनको कुछ भी याद ना हो, लेकिन बिल्कुल जवान भी नहीं थे। तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के घर में रहते रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ बड़ा ही शफ़क़त आमेज़ सलूक करते थे, बहुत शफीक थे, जैसे अपने बच्चों के साथ इसी तरह इनको भी रखा। और इसी में ये यानी कुछ बड़े हो गए, कुछ अरसा गुजर गया, साल गुजर गए, कि एक साल में ऐसा हुआ कि
इनके कबीले के चंद अफराद मक्का आए हज करने के लिए, तो उनकी नजर जैद बिन हारसा पे पड़ी। उन्होंने पहचान लिया और जैद ने भी उन्हें पहचान लिया। आपस में एक दूसरे के हालात मालूम किए और जब वो लोग हज से फारिग हुए और अपने वतन वापस पहुंचे तो उन्होंने जाके इनके वालिद को इत्तला दी कि आपका बेटा जिंदा सलामत है और उस वक्त मक्का में है और अब्दुल मुत्तलिब के पोते के पास है। हमने खुद उसे देखा, उसे बातें की और उसके हालात मालूम किए। अब अब्दुल मुत्तलिब तो जाहिर फौत हो चुके, काफी जमाना हो गया, लेकिन इससे पता चलता है कि वो कितने फेमस थे। और ये भी पता चलता है कि उनकी नेक नामी का कितना चर्चा था। लोग नेक बंदे को ही याद रखते हैं कि कोई कैसा अच्छा हो, तो उनके पोते के पास होना ये भी एक, उनको पता था कि उनका एक पोता है जो कि जो भी मशहूर है। तो ये खुशी की खबर सुन के हारसा ने तो फौरन अपनी सवारी तैयार की, कुछ नकदी भी साथ ली जो भी उनके पास था, कि जाके इनको मतलब फिदिया दे के और अपने साथ आजाद करके ले आए। और अपने भाई काब को भी उन्होंने साथ लिया हारसा ने। दोनों तेज रफ्तारी के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। वहां पे लोगों से पूछा कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते कहाँ पे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि हरम में आप जाए। हरम में गए, वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने आके कहा कि आप बैतुल्लाह के हमसाए हैं, आप मांगने वालों की झोलियां भर देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, बेकसों की फरियाद रसी करते हैं, तो हम आपके पास एक काम के सिलसिले में आए हैं। और वो ये कि हमारा बेटा आपके पास है, हम बहुत सारा माल लेकर आए हैं, खुदा रहा हम पे रहम कीजिए, करम कीजिए, जो आपने कीमत वसूल करनी है ले लें, हम बखुशी देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा बेटा हमें वापस दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो फरमाया, कौन है तुम्हारा बेटा जिसका तुम मुतालबा करें? उन्होंने कहा, आपका गुलाम जैद बिन हारसा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, मुझे तुम्हारी पैसे की भी जरूरत नहीं है, मगर हाँ जैद से पूछ लो, अगर वो आप लोगों के साथ जाना चाहे तो आप ले जाएं, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहे तो मैं उसको मजबूर नहीं करूंगा, मैं उसको बुलाता हूँ, आप उससे पूछ लें। अब वो ये बात सुन के इतने खुश हुए कि आप पैसे भी नहीं लेंगे, और जाहिर है जैद तो हमारे साथ ही आएंगे, जब वो हमें देखेंगे तो कितने वो खुश होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और फरमाया, ये दोनों कौन है? वो बोले, ये मेरे वालिद है हारसा बिन शराहबील और ये मेरे चचा काब है। आपने फरमाया, मेरी तरफ से तुम इख्तियार है, इनके साथ चले जाओ या मेरे पास रहो। एक दूसरी रिवायत में आता है कि उन्होंने जैद ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तो उन्होंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने इनसे क्या कहा है, यानी आपने हो सकता है मुझे बेच दिया हो इनके पास, यानी वो उनसे कीमत लेके इनके पास साथ जाने के लिए आपने सौदा तय कर लिया हो, या आपने नहीं मुझे भेजना, या क्या है, मतलब आपने इनको क्या कहा है। जो बड़ा के एक जबरदस्त सवाल था कि उसके बाद ही पता चलेगा कि मैंने मुझे कोई इख्तियार भी है कि नहीं। तो आपने फरमाया कि मैंने इनसे ये कहा है कि तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा इख्तियार है, इनके साथ जाओ या मेरे पास रहो। जैद रजी अल्लाह तआला ने जब ये सुना तो उन्होंने फरमाया, अगर ऐसा ही है तो मैं इस मामले में आपके पास रहना पसंद करता हूं और आपके ऊपर किसी और को भी तरजीह नहीं देता। इनके वालिद ने ये सुना तो वो बोले कि बड़े अफसोस की बात है जैद, क्या तुम गुलामी को तरजीह दे रहे हो आजादी पे? क्या तुम अजनबियों को तरजीह दे रहे हो अपने माँ बाप पे, अपने वतन पे, अपने लोगों पे? जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जो इनके कर्म देखे हैं तो मैं इसके बाद
इनसे कभी जुदा नहीं हो सकता और मैं इनको कभी नहीं छोड़ सकता, मैंने जो इनमें देखा है। अब ये इस बात का सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी रिसालत का मनसब दुनिया में, अल्लाह ताला के हाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, लेकिन अभी आपकी रिसालत का तो ऐलान नहीं हुआ इंसानों में, तो उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात कैसी थी और आपके अपने गुलाम के साथ ताल्लुक कैसा, आप इससे बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो गुलामों का स्टेटस होता था उस जमाने में वो बहुत ही लो स्टेटस होता था, यानी एक भेड़ बकरियों की तरह जो मर्जी सलूक करें, कोई कुछ कहता नहीं था, कुछ इनको इनकी कोई सुनवाई नहीं थी, इनके कोई राइट्स नहीं थे, बेसिकली ये कहते हैं कोई राइट्स नहीं थे। कोई अपने गुलाम को मार भी दे तो कोई उसको पूछने वाला नहीं था, वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, वो ऐसे ही था जैसे कि इसकी मिल्कियत है इस मालिक की। ऐसे में नबी अलैहिस्सलाम का क्या सलूक होगा उनके साथ कि उन्होंने कहा कि मैं गुलाम रहना पसंद करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुंह बोलता सबूत है, आप 10 किसी को किसी के अखलाक की अच्छाइयां बता दे, लेकिन एक बात जो उन्होंने फरमा दी वो ऐसी 10 बातों के ऊपर है, क्योंकि जो किसी का अमल होता है वो सबसे बड़ी गवाही होती है। कोई बोल के कहे मेरा अखलाक अच्छा, फलां का अखलाक अच्छा, आप बड़े अच्छे, लेकिन उसके घर का फर्द इतने बड़ी बात कर दे कि उसको चॉइस दी जा रही है और वो ये कहे कि नहीं, मुझे इनकी गुलामी ज्यादा अजीज है इस आजादी से, तो क्या हमें समझ नहीं आती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होते होंगे अपने घर वालों के साथ? उनके घर में रहते थे ना, अपने गुलामों के साथ। नौकर है, कोई कुछ नहीं कह सकता, वो नौकर है, उसकी कोई चॉइस नहीं है, उसका कोई राइट नहीं है। उनके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा सलूक करते थे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, और उस जमाने में औरतों को मारा भी करते थे उनके आका। और आप देखते ही हैं फिर कि जब इस्लाम आया तो गुलामों के ऊपर कितना तशद्दुद किया गया और कोई पूछने वाला नहीं था। उसी से आपको अंदाजा होगा कि कितना भी उनके भारी काम करवाया जाता या उनके साथ बुरा सलूक किया जाता तो इसको कोई बुराई नहीं समझा जाता, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या होंगे? एक जवान लड़के ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने को तरजीह दी, ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे, इनका हाथ पकड़ा और सीधे बैतुल्लाह तशरीफ ले गए और लोगों के सामने बुलंद आवाज से फरमाया, ए खानदाने कुरैश, तुम गवाह रहना कि आज से जैद मेरा बेटा है, मेरा बेटा है और ये मेरा वारिस है, मैं इसका वारिस। ये ऐलान सुन के हजरत जैद के चचा और बाप तो हैरान हो गए और खुश भी हुए कि देखिए अगर वो लेके भी जाते तो एक जवान लड़का था शायद इनके साथ रहता ही ना, लेकिन अब जो उनको खुशी हासिल हो रही है कि जैद रजी अल्लाह तआला को ना सिर्फ आजादी मिल गई बल्कि अब वो कुरैश में बनू हाशिम के एक फर्द बन चुके हैं, और बनू हाशिम का फर्द होना बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़ा मुअज्जज कबीला था। आपको पता है कि ये चीज अब तो खैर इस्लाम में हराम कर दी गई, लेकिन उस जमाने में तबन्नी बनाना जायज था, तबन्नी यानी किसी का बेटा बना दे, जैसे आज एडॉप्शन होती है। एडॉप्शन में तो ठीक है, हम जो इस्लामिकली एडॉप्शन होती है उसके अंदर हमारे लिए जरूरी है कि हम बाप का नाम रखें और जो बायोलॉजिकल फादर है और जो एडॉप्ट करने वाला है वो अपना नाम एज फादर ना दे, इसी सूरत में सिर्फ एडॉप्शन जायज है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके बाप का नाम खत्म करके और अपना नाम लिख दें वहां पे, ये नहीं कर सकते। वैसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं यतीमों को, किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का काम नहीं कर सकते कि उसके बाप का नाम गायब करते हैं। लेकिन जो उस जमाने में तबन्नी बनाना होता था उसमें ऐसे होता था कि ये बहुत बहुत कम होता था, लेकिन होता ये था कि बाप का नाम बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए
और अब जिसने बेटा बनाया है ये समझ ले उसका सक्का बेटे की तरह हो गया, बस उसके अंदर जो खून दौड़ा वो उसका नहीं है, लेकिन माशरे में भी उसको इसका सक्का बेटा ही समझा जाएगा। अब नहीं कोई कह सकता कि ये इसका बेटा नहीं, और वो उस कबीले का फर्द बन गया। वैसे आप किसी कबीले का फर्द नहीं बन सकते थे उस जमाने में। कोई चाहता मसलन कोई किसी जगह से आ गया, वो चाह रहा है कि भाई मुझे अपने कबीले में आप ले लें, तो उसको नहीं लिया, चाहे वो उसकी औरत से शादी भी कर ले, लेकिन फिर भी नहीं वो उस कबीले का आदमी नहीं बन जाता था। लेकिन हाँ कोई उसको अपना बेटा बना ले तो ये ऐसे ही है जैसे कि वो उसका सक्का बेटा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमा दी कि जैद मेरा बेटा है, जैद मेरा है, मैं इसका वारिस, ये मेरा वारिस, तो अब ऐसे है कि सक्का बेटा हो गया। और उस दिन से आप जैद बिन मोहम्मद कहलाने लगे, हत्ता कि जब तक कि कुरान में नहीं उतर आया कि दुआउहुम लिआबाइहिम, इनको इनके बापों के नामों से पुकारो कर। तो तब तक यानी वो तो मदीना में आके हुआ ना, तो मक्का में ये थ्रू आउट अभी तो इस्लाम आया भी नहीं है, तो हजरत जैद जो है वो जैद बिन मोहम्मद बन गए, ठीक है। और इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत का मनसब मिला, उससे पहले तो नहीं ना वो जानते थे कि ये नबी बन जाएंगे। अब नबुवत का मनसब मिला तो जाहिर है सबसे पहले अपने घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, तो जैद बिन हारिसा वो खुश नसीब इंसान है जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। अब हम भी जो ये कहते हैं ना कि गुलामों में सबसे पहले हजरत जैद ईमान लेकर आए, वो गुलाम तो नहीं थे उस वक्त, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा बना लिया था, आजाद थे वो, गुलाम तो थे ही नहीं। तो हम नहीं ये कह सकते कि गुलामों में से, हाँ आजाद करता गुलाम कह सकते हैं, लेकिन स्टिल वो उस वक्त जिस वक्त वो इस्लाम लाते हैं तो जैद बिन हारिसा नहीं होते, वो उस माशरे में जैद बिन मोहम्मद थे। भला इतने बड़ा कोई और शर्फ हो सकता है ऐसे गुलामी के ऊपर, तो जो उन्होंने गुलामी में रहना पसंद किया था ना, ऐसी गुलामी के ऊपर तो लाखों आजादियां कुर्बान जाए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद वाकई पहले भी ऐसे अच्छा ही सलूक करते थे, लेकिन उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप थे और खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा माँ थी, इससे बड़ी क्या खुशनसीबी हो सकती। सुभान अल्लाह। तो हजरत जैद बिन हारिसा को राजदाने रसूल और सिपा सालारे लश्कर इस्लाम बनने का भी एजाज हासिल हुआ, राजदान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, शुरू के यानी इस्लाम कबूल करने वालों में से ये हैं, इसके बाद ये कहा जाता है कि उम्मे ऐमन कौन थी, कुछ आपको रिकॉल होता है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की लौंडी थी, और उनकी वफात के बाद आमिना के हिस्से में आई। और आपको पता है कि जब आमिना का इंतकाल हुआ अब्वा के मकाम पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के थे, उस वक्त आपके पास सिर्फ उम्मे ऐमन ही थी, लौंडी थी ना वो ही इनको लेकर मक्का आई थी वापस, रास्ते में वालदा की वफात हो गई थी, तो उसके बाद वो इनको संभालती थी रखती थी, यानी शुरू से आपके साथ ही थी जब नबी अलैहिस्सलाम बेबी थे तब भी, और उसके बाद भी जब मक्का लेकर आई हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बड़ा महबूब रखते थे, उनको अम्मा कहकर मुखातिब फरमाते थे। तो एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी जन्नती औरत से निकाह करना चाहता है तो उम्मे ऐमन से निकाह कर ले। तो जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, उन्होंने कहा कि मैं निकाह करूंगा। हालांकि आप देखेंगे कितना ज्यादा एज डिफरेंस होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के थे तो वो वहां से लेकर आई थी, जाहिर है वो बड़ी होंगी तो लेकर आई थी ना, जवान होंगी, और जैद जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी छोटे थे, अगर 15 साल छोटे लगा लें तो कितना ज्यादा एज डिफरेंस है, कम से कम 25 20 25 साल का तो होगा ही।
बाज जगहों पे आता है जैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल छोटे थे, बाज जगहों पे 15 साल छोटे थे, तो जो भी लगा है लेकिन काफी बड़ी उम्र में थे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजरत जैद ने उनके साथ निकाह कर लिया। और उनसे कौन पैदा हुआ? उसामा बिन जैद। उसामा जिनका रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उसामा और जैद दोनों के लिए हम बोलेंगे ना, तो रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बोलेंगे। तो उनसे वो प्यारे सहाबी पैदा हुए जो सुभान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने महबूब थे, इतने महबूब थे कि उनके लिए जानते हैं क्या लकब आता है? उनका लकब है हिब्बू, हिब्बू रसूलुल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिब्बू इब्नु हिब्बू रसूलुल्लाह के महबूब, किसके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब के बेटे, महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब के बेटे महबूब। तो इतना प्यारा, यानी वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत प्यार करते थे। बल्कि बाजी का प्यार आता है कि एक तरफ हसन रज़ी अल्लाह ताला उनको बिठा लेते थे, एक तरफ उसामा को बिठा लेते थे और उनको प्यार करते थे और फरमाते थे या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। तो आपकी मोहब्बत इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा थी। बल्कि आपको पता है कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई सिफारिश पहुंचाना चाहता था, तो उसको ये पता था कि उसामा के जरिए पहुंचाई जाए, क्योंकि उसामा आपको बहुत महबूब है। तो वो आपको याद होगा किस्सा कि वो एक बड़े नसब वाली, एक कुरैश की एक बड़ी यानी बिग फैमिली की औरत ने चोरी कर ली थी, तो उसके खानदान वालों ने सोचा अगर इसका हाथ काटा जाएगा तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, तो हम कोई सिफारिश कराएंगे इसको बचत इसकी हो जाए, तो उसामा से सिफारिश करवाई थी। तो आप ने मानी तो नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लोगों को भी पता था ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने महबूब हैं। और ये उसामा ही है ना, काफी इनकी भी बातें आती हैं, लेकिन चलिए अभी जैद की बात करते, इनके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह अगर वक्त हुआ तो। फिर उसामा मक्का में ही पैदा हो गए थे, फिर मक्का से हिजरत करके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो इन्होंने भी हिजरत की थी हजरत जैद ने, और वहां पर बाज जगह पे आता है हजरत हमजा का इनको भाई बनाया गया, बाज जगह पे आता है हजरत उसैद बिन हुजैर अंसारी का भाई बनाया गया। और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ये रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मिशन पर भी जब इनको रवाना करते थे तो इनके लिए दुआ करते थे, जब ये वापस आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश होते थे, खुशी का इजहार करते थे। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक दफा इनकी मुलाकात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक किसी मुहिम पे भेजा था, तो जब ये वापस आए तो सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए उठे, जैसे जिस हुलिये में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे, दरवाजा खोला तो सामने जैद बिन हारिसा खड़े पाए, आपकी खुशी की कोई इंतहा ना रही, उनको गले लगाया, माथा चूमा। तो आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाती है खुदा की कसम मैंने पूरी जिंदगी इस तरह किसी सहाबी को खुश आमदेद कहते हुए नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे किसी को मतलब वेलकम कर रहे हैं। तो इसी वजह से ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे ना। अच्छा, अब हमें ये भी पता चलता है कि इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी जंग पर भेजते थे तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनको जब भेज रहे हैं किसी भी जंग के लिए, तो फरमाती हैं आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कि जिस फौज में भी जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु शरीक होते थे तो इसमें कयादत का ओहदा इन्हीं को मिलता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ही यानी सिपा सालार बनाते थे, कमांडर बनाते थे। मुराइसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना में छोड़ा था और वहां पे इनको इंचार्ज बनाया, अगर पीछे छोड़ा होता तो उनको मदीना का इंचार्ज, ऐसे ही समझ लेना जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। वो तो जब सूरह आजाब नाजिल हुई है तो तब ये हुआ ना कि इनको यानी आप बेटे नहीं है, वरना इससे पहले तो आपके बेटे ही समझे जाते थे। तो
तो जैसे कोई अपने पीछे अपने बेटे को छोड़ के जाता है, तो मदीना में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको छोड़ के जाते थे तो फिर इनको मदीना का इंचार्ज बनाते थे। अगर इनको अकेले किसी जंग के लिए भेजते थे, यानी कि एक लश्कर के साथ भेजते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी गजवा नहीं है, सरिया है, यानी जिसमें छोटा ही एक मुहिम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, तो फिर इनको उसका इंचार्ज बनाते। बाकी तमाम जंगों में इन्होंने हिस्सा लिया। मुरैसी की जंग में नहीं हिस्सा लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना में पीछे छोड़ा था, लेकिन बाकी सारी जगहों में हिस्सा लिया। सुलह हुदैबिया में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, फिर उमरा कजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उमरा कजा में आपको बताया कि उस वक्त का वो वाकया अगर आपको याद हो, कि उस वक्त एक बच्ची दौड़ती भी आई थी, वो कौन थी, हजरत हमजा की बेटी थी, और वो कह रही थी कि मुझे अपने साथ ले चल। तो तीन लोग आगे बढ़े थे उस बच्ची को लेने के लिए, एक हजरत जैद, एक हजरत अली और हजरत जाफर। तो हजरत अली ने ये मतलब था कि मेरे चचा हैं, और हजरत जाफर का ये था कि मेरे भाई हैं, और हजरत जैद ने भी ये कि नहीं, हजरत जाफर का ये था कि इन इस बच्ची की खाला मेरी बीवी है, तो मैं ज्यादा लेने का हकदार। और हजरत जैद ने फरमाया कि मेरे भाई हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर को दिया था। और उसी वक्त ही ये हदीस आती है ना, कि आपने फरमाया था कि जो खाला है वो माँ बजा होती है, तो वो बच्ची को हजरत जाफर के घर में दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तसल्ली देने के लिए फरमाया था, जैद तुम मेरे भाई हो, और मेरे मैं और मैं तुमसे हूँ, और तुम मुझसे, और मुझे सब लोगों में ज्यादा महबूब। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इनकी कितनी शान थी और कितनी वक्त थी। और फिर आप वो वाकया कुरान का सूरह अहज़ाब में जो है, वो तो आप लोगों सबको पता होगा कि सूरह अहज़ाब में हजरत ज़ैनब के साथ निकाह की इनकी जो बात आई है, हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हिजरत करके मदीना आई थी, तो वो उन्होंने वो शादी करना चाहती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद के साथ शादी करने का उनको फरमाया, लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं कर रही थी, और उनके भाई ने भी इस बात को पसंद नहीं किया था, क्योंकि हालांकि ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला मतलब आजाद थे, लेकिन फिर भी स्टेटस में उस तरह से नहीं थे जिन जो जैसे हज़रत ज़ैनब चाहती होंगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद के तकवा की और इनकी बड़ी तारीफ की, और फिर उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, तो वो मान गई और उन्होंने शादी कर ली। मगर जैसे कि आपको पता है कि ये शादी चल नहीं सकी। ऐसा नहीं है कि किसी एक में भी कोई मसला हो, मसले की बात नहीं है, असल बात ये है कि देखें, दो लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी तबीयतें ना मिलती हो, मिजाज ना मिलते हो, या कोई भी रीजन हो सकता है कि वो उनकी वो गेट अलोंग ना कर सके। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए अगर दो लोगों में जुदाई हो गई, तलाक हो गई, तो जरूर इसका कसूर होगा, या जरूर हम फौरन जज बन जाते हैं और किसी का कसूर ढूंढने शुरू हो जाते हैं कि कसूर किसका है, फलां बुरा, और यहाँ दूसरे वो लोग कहते हैं ये बुरा, जिसकी जो जिस साइड पे होता है वो दूसरी साइड को बुरा भला कहने लगता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही बहुत नेक थे, बल्कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि किसी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का मेरे साथ मुकाबला नहीं होता था सिवाय जैनब के। जैनब के बारे में मगर वो यही कहती थी कि वो बहुत नेक औरत है, नमाज रोजा बहुत करती है, और आपको पता ही होगा वो बात भी कि एक रस्सी लटकी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ही किसने लटकाई, तो आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये जैनब की है, क्योंकि वो ना जब थक जाती थी नमाज पढ़ पढ़ के इतनी पढ़ती थी, तो फिर उससे सहारा ले लेती, तो इतनी ज्यादा वो इबादत गुजार थी। और हजरत जैद का तो अब आप पढ़ ही रहे, तो इसी तरह आपको पता है और भी सहाबा में बास की तलाकें हुई, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं कहा जाए कि ये कोई किसी का कसूर है। मगर यहाँ पर खास तौर पे एक स्टेटस में डिफरेंस की बात ज्यादा मालूम होती है, कि चूंकि जिसको कफू कहते, और इसी वजह से हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कफू देखना जरूरी है, कि यानी जब कोई लड़का लड़की शादी
करने लगे तो उनके आपस में कुछ ना कुछ मैच होना चाहिए, उनका सोशल स्टेटस भी, उनकी जो जो उनके घराने हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बैकग्राउंड है उनकी, थोड़ी अगर एक जैसी हो ना तो शादी चलने में आसानी हो जाती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये चीजें देखी जाए ना कि एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बराबरी का तो हो, ये घराना, अगर आप एक लड़की की शादी बहुत ऊंचे घराने में कर दें तो वो भी चलना मुश्किल हो जाती, अगर बहुत नीचे जाके कर देंगे तो तब भी चलना मुश्किल हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हुआ कि जैनब ने उनको अपने बराबर का नहीं समझा स्टेटस का, और ये कभी भी शादी यानी सही चल ही नहीं सकी, हत्ता कि आखिरकार हजरत जैद ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फरमाया था कि मैं हजरत जैनब से को तलाक देना चाहता हूँ, और कई दफा ये बात लेकर आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मना करते रहे और उनको ऐसा नहीं करने दिया। फिर उसके बाद जब आखिरकार आयात उतर आई तो उसके बाद अल्लाह ताला ने खुद ही हजरत जैनब का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करा दिया। लेकिन उससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब के साथ शादी का पैगाम भेजा था तो उस वक्त हजरत जैद को ही भेजा कि आप ये पैगाम लेकर जाएं। लेकिन आप देखें कि इनके अंदर इतनी खूबियां थी कि किस तरह की इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के साथ कैसे इनका ताल्लुक था और कितनी इज्जत करते थे, कि आता है कि ये जब पैगाम लेकर गए हैं तो सिर्फ इस ख्याल से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैनब के साथ निकाह की ख्वाहिश जाहिर फरमाई है, ताजीमन उनकी तरफ देख भी नहीं सके और मुंह फेर के खड़े हुए कि ये ना हो कि मेरी मेरी नजर भी ना इनके ऊपर पड़े, इतना ज्यादा उनका रोब और वो इनके दिल के अंदर आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ निकाह के लिए बात की। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि उम्मे ऐमन एक इनसे काफी ही बड़ी उम्र की औरत थी, लेकिन इन्होंने फिर भी उनसे निकाह किया सिर्फ इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है वो। और आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है इतनी बड़ी बात इनके बारे में कि अगर जैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा रहते तो आप के बाद यही खलीफा बनते, यानी मेरे वालिद नहीं, हालांकि कौन खलीफा बने, वो तो ये मतलब अपने वालिद के लिए कह रही कि वो ना होते बल्कि हजरत जैद होते। अल्लाह हु अकबर, इतने ज्यादा इनका बड़ा मकाम है, लेकिन वो तो ये कि इनकी इतनी जिंदगी ही नहीं रही, पहले ही शहीद हो चुके थे, तो वो उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन ये पहले बात कर लें कि फिर उसके बाद हजरत जैनब के साथ इनकी शादी, जैनब बिनते जहश के साथ इनकी शादी खत्म हो गई थी। और ये एक और बात भी, इससे पहले कि हम उनकी शहादत की बात करें, एक और बात भी जो बहुत अहम वाक्य आता है, आपको पता है ताइफ का वाक्य, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा था कि आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा, क्या उहद का दिन था? आपको पता है ना उहद का दिन भी बहुत मुश्किल था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ पे जाके पनाह ली थी और दुश्मन कैसे दुश्मनों ने घेर लिया था, अपने नरगे में ले लिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए यानी वो हर तरह से जोर लगा रहे थे कि आज हम इनको खत्म कर दें, तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी भी हो गए थे, तो आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि क्या उहद का दिन आपके लिए सबसे सख्त तरीन दिन था, तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि कौन सा दिन आपने बताया था, ताइफ का दिन। और जानते हैं ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? एक शख्स, जैद बिन हारसा। और जिस वक्त के ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत किया और आपको निकाल दिया वहां से, और ये नहीं एक दिन दो दिन नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन से ज्यादा वहां पे रहे थे, और आपने एक एक को जाकर तबलीग की, दावत दी दीन की, लेकिन इनकार करना तो ठीक है, एक इनकार होता है कि हम नहीं मानते, लेकिन इन्होंने तो इंतहा कर दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्खर उड़ाया, मजाक किया और बेइज्जत किया और बहुत ही बुरे कलिमात कहे आपके, तो
उस वक्त भी हज़रत ज़ैद आपके साथ, और नबी सल्लम ताइफ गए थे किस वक्त, जब आपका दिल पहले ही छलनी था कि जब खदीजा रज़ी अल्लाह का इंतकाल हो चुका था, अबू तालिब दुनिया से जा चुके थे, उस वक्त आप ताइफ गए थे। तो उन आगे से उन लोगों का रवैया क्या था, और आखिर में तो हद ही हो गई जबकि उन्होंने रास्ते में दोनों तरफ ओबाशों को खड़ा कर दिया, जो बिल्कुल वहां के मतलब नौजवान थे, ऐसे ही लड़के, उनको खड़ा कर दिया कि आप इनको जो है ना यानी टॉर्चर करें और आप इनको बेइज्जत करें। तो वो दोनों तरफ रास्ते के खड़े हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं, और कोई एक तरफ से थूक रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, कोई पत्थर उठा के मार रहा है, कोई जूते फेंक रहा है, और कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे। और उस वक्त हजरत जैद वो थे जो कभी आपके आगे आते थे, कभी पीछे जाते थे, कभी आगे आते थे, कभी पीछे जाते। सोचे कितना मुश्किल दिन होगा, कितना दर्दनाक तरीन दिन होगा, दिल भी छलनी और जिस्म भी छलनी। तो आपको पता है जो इंसान का डाउन डेज होते हैं ना, जो दुख के दिन होते हैं, उसमें जो बंदे के साथ होता है वो बहुत याद रहता है। उस दिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा ही आपके साथ, जैसे आपके गार के साथी अबू बकर सिद्दीक है ना, इसी तरह आपके ताइफ के साथी ज़ैद बिन हारिसा। ये कोई थोड़ा फासला नहीं था जिसमें ये लोग खड़े हुए थे और इन्होंने इस तरह का सलूक किया। ये कोई किताबों में लिखा है कोई 15 मील तक का फासला था, जिसमें इसी तरह होता रहा, हत्ता कि आपका जिस्म लहू लहान हो गया और आपके जूते ऐसे हो गए कि पैरों के साथ चिपकने लगे, खून की वजह से, खून से भर गए थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाग में पनाह ली थी और दुआए मुस्तदाफीन थी, उस वक्त भी हजरत जैद आपके साथ, जब जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और आपको चॉइस दी कि इनको क्रश कर दिया जाए, तो आप उस वक्त भी आपके साथ ये जैद बिन हारिसा थे, आपकी जिंदगी के मुश्किल तरीन सफर में। अल्लाह अकबर। और हजरत जैद बहुत जबरदस्त तीर अंदाज भी थे, जंग के माहिर भी थे। बाज जगह आता है 7 जंगी मुहिमों पे इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, बाज जगह आता है 9 पे भेजा। तो इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया था, और आखिरी जो जंग थी वो थे जंगे मौता थी, और वो क्या थी कि 8 हिजरी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन उमेर को एक खत देकर बुसरा के शाह की तरफ भेजा ताकि इस्लाम की दावत दीजिए। आपको पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए खत भेज रहे थे, खतूत जा रहे थे और मैसेंजर्स को भेजा जाता था, तो हारिस को भेजा गया। तो वो हारिस जब ये खत लेकर मौता के मकाम पे पहुंचे, जो जॉर्डन की मशरिक तरफ है मौता का मकाम, तो वहां का जो अमीर था उसने इनको गिरफ्तार कर दिया और इनको शहीद कर दिया। और मैसेंजर्स को आपको पता है कभी भी कोई कुछ नहीं किया था, लेकिन यहां पर कितनी बड़ी, मैसेंजर को कत्ल करने का मतलब ये जंग। आज भी जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको नहीं कहीं कुछ कहा जाता, चाहे कोई दुश्मन मुल्क भी, एम्बेसडर को सेफली निकाल, तो ये एम्बेसडर थे ना। अब ये इतनी बड़ी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहुंची तो आपको बहुत सदमा हुआ, और आपने 3,000 मुजाहिदीन पे मुश्तमिल एक लश्कर जंगे मौता के लिए रवाना किया, और इस लश्कर का सिपा सालार जो बनाया तो जैद बिन हारिसा को मुकर्रर किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जैद शहीद हो जाए तो जाफर बिन अबी तालिब को लश्कर की क्यादत दी जाए, अगर जाफर शहीद हो जाए तो उनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा को कायदे लश्कर बनाया जाए, अगर वो भी शहीद हो जाए तो इसके बाद मुजाहिदीन में जिसको भी आप समझे उसको अपना कमांडर बना ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रवाना किया इसके ऊपर, इस मुहिम के ऊपर। कहा जाता है कि इस वक्त हजरत जाफर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैद को मेरे ऊपर अमीर बनाएंगे, तो आपने फरमाया
तुम नहीं जान सकते कि बेहतरी क्या है, तुम्हें नहीं पता। तो हजरत जाफर हैं, हालांकि आपको पता है उनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना करीबी है, हजरत अली के भाई। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ के हजरत जैद को लश्कर का अमीर बनाया, और परचम इनके हाथ में दिया गया, हजरत जैद के हाथ में परचम दिया गया। झंडा उस वक्त दिया जाना भी एक ऑनर होता था। और इस जंग में कहा जाता है कि जब ये रवाना हुए तो उर्दन की मशरिकी जाने मान मुकाम पे पहुंचे, तो शाहे रोम 1 लाख फौज लेकर मुकाबले में उतर आया, और उसके साथ मुशरिकीन अरब में से भी 1 लाख अफराद शामिल हुए। अब आप खुद सोचे, एक तरफ 3,000, दूसरी तरफ 2 लाख। अच्छा, मुसलमान आपस में मशवरा करते हैं और सोचते हैं, एक किसी ने कहा कि आप ऐसा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें और आपके हुक्म का इंतजार करें कि अब हम करें तो करें क्या। दूसरे ने कहा, खुदा की कसम, ना तो हम तादाद के बलबूते पे लड़ते, ना ही कुव्वत और कसरत की बुनियाद पे, हम तो सिर्फ इस दीन की हिफाजत के लिए लड़ते। मेरे साथियों, जो मकसद लेकर मैदान जंग की तरफ निकले हो तो हमेशा इसको सामने रखो, और अल्लाह ताला ने दो इनामात में से एक की तो तुम्हें जमानत दे ही दी है, या तो फतह होगी या शहादत मिल जाएगी। मुसलमान जो होता है ना, जो अल्लाह की खातिर लड़ने वाला होता है, वो कभी हारता ही नहीं है, इसलिए कि या तो इसको दुनिया में वो गाजी बन जाएगा या फिर शहीद हो जाएगा, दोनों सूरतों में उसकी तो फतह ही फतह है। अब मुकामे मौता पर दोनों जंगे, दोनों फौजें जब आमने सामने आई, तो अब आप अंदाजा करें, कभी आसमान ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी जिसमें कि 3,000 और सामने 2 लाख। मुसलमान बड़ी बेजिगरी से लड़े, लेकिन जब आपको पता है कि बहुत बड़ा नंबर था उनका, और हजरत जैद शहीद हो गए इसके अंदर। और उसके बाद आप जानते हैं कि किसी ने, दुश्मनों ने नेजों से इनके जिस्म को छलनी किया था, और इनके बाद झंडा जाफर बिन अबी तालिब ने थाम लिया था, और फिर उसके बाद हजरत जाफर की भी शहादत हो गई थी। हम इनके जब किस्सा आएगा, इनकी जब जिंदगी को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि फिर इन्होंने क्या किया था झंडा संभालने। उनके शहीद होने के बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने आगे बढ़ के झंडा थाम लिया और दुश्मन का मुकाबला किया, फिर वो भी शहीद हो गए। उनके बाद खालिद बिन वलीद को जब सिपा सालार बनाया गया, हालांकि वो अभी नए नए बिल्कुल मुसलमान हुए थे, बिल्कुल उनके अभी मुसलमान हुए ही थे, तो उसके बाद इसमें चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर ऐसी जंगी तदबीर इख्तियार की ना कि लश्कर इस्लाम को बचा के निकाल लिया। अब ये जो जंग जब वहां पे हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से सारी इत्तला मिल रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे था जैसे आपके सामने ये जंग हो रही। तो इससे पहले कि आप तक खबर पहुंचती, आपको पहले ही पता चल चुका था कि जैद शहीद हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन हुए थे, आपने ऐलान किया कि जैद शहीद हो गए, और आपकी आंखें आंसू बहा रही, और फिर फरमाया जाफर शहीद हो गए, फिर फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए। आयशा रजी अल्लाह तआला पर्दे के पीछे से सुन रही थी, जब आप मस्जिद में ये फरमा रहे थे, तो आयशा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से खड़े नहीं हो पा रहे थे और बैठ गए, यानी इतना ज्यादा आपको गम हुआ था इनकी शहादत का। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई थी, तो जब आपने दुआ फरमाई ना सबके सामने, तो जैद रजी अल्लाह तआला की 3 दफा दुआ फरमाई, और फिर जाफर, और फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा के लिए। और इस जंग में आप सोचें कि हजरत उसामा भी शामिल थे, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर के बेटे भी शामिल थे, और बेटे के सामने बाप की शहादत हुई, अभी 18 साल के थे सिर्फ। तो लेकिन वो लड़ते रहे, और जब बाप शहीद हुए तो वहीं पे उनको दफन किया गया, आज भी उनकी कब्र वहीं है। और फिर उसके बाद वो इन्हीं के घोड़े के ऊपर वापस आए थे, हजरत उसामा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहाँ पे इत्तला पहुंची है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर
सबसे पहले हजरत जैद के घर पहुंचे। जब वहां पहुंचे और उनकी छोटी बेटी थी उम्मे कुलसुम से, उम्मे कुलसुम, इनकी एक बीवी का नाम उम्मे कुलसुम था। इनकी शादियों की बात करेंगे तो आपको मैं फिर बताती हूँ कि उम्मे कुलसुम से जो इनकी बेटी थी रुकैया, वो बच्ची थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट के जारों का तार होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब उनकी यह हालत देखी तो आप बेकरार होकर रोने लगे। ये मंजर देख के हजरत साद बिन उबादा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे हैं? आपने फरमाया, हाजा शौकुल हबीबी इला हबीबी, ये एक हबीब का अपने हबीब के गम में रोना है। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने हजरत जैद ने जो शादियां की थी उनकी भी आपको तफसील बताऊं कि इन्होंने जैसे हजरत जैद बिनते जहश से शादी की, उम्मे अयमन से शादी की, इसी तरह क्योंकि याबिन का जब स्टेटस इतना बड़ा हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कहलाने लगे थे, तो फिर तो कुरैश के लिए कोई मुश्किल नहीं थी इनको अपनी बेटी देना। तो उकबा बिन अबी मुआइद, जो कि बहुत बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, उसकी बेटी थी, उनके साथ इनकी शादी हुई, उम्मे कुलसुम बिनते उकबा। बहुत इनका घराना तो बहुत ऊंचा समझा जाता था ना, तो इस ऊंचे घराने में। इसी तरह अबू लहब की बेटी के साथ भी इनकी शादी हुई थी, फातिमा बिनते अबी दहाब, उसके साथ भी इनकी शादी। और ये दोनों ही मुसलमान हो गए, अबू लहब की बेटी भी, और एक जगह दुर्रा बिनते अबू लहब आता है, तो अबू लहब की बेटी भी मुसलमान हो गई थी और उम्मे कुलसुम भी मुसलमान हो गई थी। और फिर जैद बिन अवाम की बहन हिंद बिन तिल अवाम, ये भी इनके निकाह में आई थी। तो इस तरह से इनकी औलाद के बारे में ये आता है कि उसामा बिन जैद का ही ज्यादा पता चलता है, बाकी एक बच्ची ये रुकैया, और कौन औलाद थी, या तो वो फौत हो गई बचपन में या फिर उनके हालात कुछ भी हमें नहीं पता चलते कि उनके क्या हालात थे, कुछ भी किताबों में नहीं आता। मगर यहाँ तक हमें पता चलता है कि इनके इतना खानदान था। अब थोड़ी सी बात उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु पे भी कर लेते हैं कि उसामा बिन जैद जब इनकी विलादत हुई थी ना, तो मुसलमान बहुत खुश हुए थे, कभी किसी की विलादत पे इतने खुश नहीं हुए थे, इसलिए कि ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर देने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही ये पैदा हुए थे ना, आपके घर में, क्योंकि ये जाहिर है मक्का में पैदा हुए थे, तो वहां पर उम्मे ऐमन भी आपके घर में ही रहती थी और जैद भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे चूंकि हसन उनके ये हम उम्र थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को ही साथ साथ बिठा के प्यार करते थे, और एक रान पे एक को बिठा लेते, एक पे दूसरे को बिठा लेते, दोनों को अपने सीने से लगाते, दुआएं देते। एक दफा उसामा दरवाजे की दहलीज पे लड़खड़ा के गिर पड़े, जिसे पेशानी पे जख्म आया और खून बहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इशारा किया कि इनका खून साफ कर, लेकिन वो किसी काम में मसरूफ थी तो जल्दी नहीं आ सकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठे और जल्दी से जाके इनका खून साफ किया। अब आपको पता है उसामा जो थे ना, वो तो अपनी वालदा की तरह, उनकी वालदा हबशिया थी ना, उम्मे अमन बिल्कुल स्याह रंग की थी, तो उसामा भी बिल्कुल स्याह रंग के थे और चपटी नाक थी। हजरत जैद के बारे में आता है कि उनका भी काफी डार्क कॉम्प्लेक्शन था, हबशी वाला नहीं तो नहीं था, लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे। और ये भी आता है कि उनका कद छोटा था और उनकी भी नाक चपटी थी, तो उसामा की भी नाक नाक चपटी थी। तो जवानी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सर पे शफकत का हाथ रखे रखे। एक दफा हकीम बिन हज्जाम जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि हजरत खतीजा के भतीजे जो हैं वो मुसलमान हो गए थे, तो
तो उन्होंने कीमती लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर तोहफा पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये तोहफा उसामा को दे दिया। और फिर उसामा से अगले दिन पूछा कि आपने पहना नहीं, तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बीवी को दे दिया। ये छोटी छोटी उम्रों के अंदर शादियां भी हो जाती थी कि मैंने अपनी बीवी को दे दिया, तो आपने फरमाया अच्छा फिर उसको कह देना कि इसके नीचे कोई पहन ले, कि बिल्कुल बारीक था ना वो, सी थ्रू ना हो। इससे हमें ये भी पता चला कि सी थ्रू लिबास इस तरह से नहीं औरतों को पहनना चाहिए। उसामा जो थे वो बहुत ज्यादा शौक रखते थे कि जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएं, तो गज़वाए खंदक में इज्जत उसामा बिन ज़ैद अपने हम उम्र नौजवानों के साथ मैदान की तरफ निकले, तो पंजों के बल ऊंचे हो के चलने लगे कि कहीं आज मुझे ना इस वजह से पीछे ना कर दिया जाए कि मतलब ये छोटे हैं। क्योंकि इससे पहले ऐसा ही हुआ था कि जब भी ये जाते थे तो इनको वापस कर दिया जाता था कि नहीं आप नहीं आ सकते क्योंकि आप छोटे हैं, तो जारो कतार रोते रहते थे। तो इनको बड़ा शौक था कि मैं भी जाऊं। अल्लाह अकबर। गजवा हुनैन में जब बड़ा नाजुक मौका आया था, उस मौके पर भी हजरत उसामा और अब्बास और अबू सुफियान और दीगर 6 सहाबा साबित कदम रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरत रहे थे। अच्छा, ये इसी से मैं आपको बता दूं कि अयमन जो है ना, उम्मे अयमन जो है इनकी जो वालदा, उनकी पहले शादी हुई थी जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, शादी होने से पहले उनकी एक और शादी थी जहां से उनको तलाक हुई थी, उनसे उनके बेटे अयमन थे। हम तो लड़कियों के नाम रखते हैं ना, तो अयमन बेटे का नाम था। वो भी बाद में मुसलमान हो गए थे और वही गजवा हुनैन में वो शहीद हुए, तो उससे वो उम्मे अयमन कहलाए। तो और फिर आप देखें 11 हिजरी को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों से जंग करने के लिए लश्कर तैयार किया था, तो आपको पता है उस लश्कर में अबू बकर सिद्दीक, उमर, साद बिन अबी वक्कास, अबू बैदा बिन जराह, इतने बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लश्कर का अमीर हजरत उसामा को बनाया था। उनकी उम्र उस वक्त अभी 20 साल थी सिर्फ, तो उनको हुक्म दिया था कि आप जाए। बाज मुफसरीन का ख्याल है, मुहदिसीन का, कि ये इस वजह से कि ये हजरत उसाम जैद का बदला लेने के लिए ये लश्कर भेजा गया था, तो बदला लेने के लिए तो फिर इस लश्कर का लीडर हजरत उसामा को बनाया गया। लेकिन फिर भी और बहुत बड़े बड़े सहाबा थे, और बड़े सहाबा के मुकाबले में एक 20 साल के बच्चे को बना दिया गया। तो उस पे बाज लोगों ने बड़ा एतराज किया कि ये क्या बात हुई। तो उस वक्त अभी लश्कर रवाना नहीं हुआ था, अभी तैयारी हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए। जब मर्ज ने शिद्दत इख्तियार की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछते जाते थे कि वो लश्कर उसामा गया के नहीं, गया के नहीं, गया के नहीं। तो फिर वो लश्कर भेजा गया था। तो ये भी आता है कि उस वक्त बाज लोगों ने जब इतराज किया था इनकी क़यादत के ऊपर, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि बीमार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के गए और आपने फरमाया, मिंबर पे गए और आपने फरमाया कि तुम लोगों को पहले इसके बाप की क़यादत के ऊपर इतराज था और अब इसकी क़यादत के ऊपर इतराज है। हो सकता है पहले लोग एतराज करते हो इनके वालिद की क़यादत पे भी, जैसे मैंने आपको बताया जंगे मौता में। तो आपने फरमाया कि पहले तुम्हें इसके बाप की उसके ऊपर एतराज था और अब इनकी उसके इनकी कयादत के ऊपर एतराज है। और आपने फरमाया कि हालांकि इसका बाप भी मुझे महबूब था और ये भी मुझे महबूब है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाप भी महबूब और ये भी मुझे महबूब। और फिर जब ये लश्कर रवाना हुआ तो अभी थोड़ा ही फासले पर गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और इनकी बीवी ने इनको पैगाम भेज दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज्यादा खराब है। तो वहीं से वापस भी मुड़ आए थे और फिर एक दो दिन बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन फरमाते हैं उसामा
कि जब मैं आपके पास आया तो आपकी बीमारी इस वक्त बड़ी शिद्दत की थी, तो आप अपना हाथ ऊपर उठाते, फिर इसे मुझ पे रख देते। मैं समझ गया कि आप मेरे हक में दुआ कर रहे हैं। ऊपर को जैसे हाथ उठा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे होंगे, तो आप उस वक्त खामोश थे ना, बिल्कुल। बीमारी बहुत शदीद थी, तो ऐसे हाथ उठाते थे और कहते मेरे ऊपर रख देते, तो मुझे पता चल रहा था मेरे हक में दुआ कर रहे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए। और फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बने खलीफा, तो तब उन्होंने उसामा की क्यादत में फिर से इस लश्कर को रवाना करने का हुक्म दिया। तो बाज लोगों ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, अभी इतने फितने खड़े हो रहे हैं, जरूरी है कि इस वक्त ही आपने ये लश्कर भेजना? तो उन्होंने सहाबा ने जाके हजरत उमर से फरमाया कि आप जाएं और जाके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से बात करें, उनको समझाएं कि ये लश्कर इस वक्त ना भेजे, और अगर भेजना ही है तो फिर किसी और को हमारा अमीर बना दे जो उसामा से ज्यादा तजर्बाकार हो। आखिर बहुत बहुत लोग थे, खालिद बिन वलीद थे और बहुत बड़े बड़े सहाबा थे। तो जब हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उनके पास ये पैगाम लेके पहुंचे, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इतने गुस्से में आए और फरमाया, ए खत्ताब के बेटे, कितने अफसोस की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसामा को अमीर लश्कर बनाया और तुम मुझे मशवरा देते हो कि मैं उसको हटा दूं? खुदा की कसम ये कभी नहीं हो सकता। जब हजरत उमर ने ये सुना, वापस लोगों के पास गए और फरमाया, खलीफतुल मुस्लिमीन ने आज मेरे ऊपर गुस्सा किया है तुम्हारी वजह से, चलो अब अपने मिशन पे निकलो। तो जब ये लश्कर इनकी उसामा की जेरे कमान रवाना हुआ, तो जानते हैं खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इन्हें अलविदा करने के लिए साथ निकले, पैदल चल रहे थे, उसामा घोड़े पे थे। तो उसामा ने फरमाया, ए खलीफा रसूल, क्योंकि अभी अमीरुल मोमिनीन का नहीं ना लकब आया था, कब आया था अमीरुल मोमिनीन का लकब दिया जाना, हजरत उमर के दौर में ना, तो अभी खलीफा तो रसूल ही कहा जाता था। तो ए खलीफा तो रसूल, खुदा की कसम, या तो आप घोड़े पे सवार हो जाए वरना मैं घोड़े से उतरता हूं। तो सदीक अकबर ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम ना आप उतरेंगे ना मैं सवार हूंगा। फिर फरमाया, क्या मेरे लिए ये एजाज नहीं कि कुछ देर के लिए मैं भी अपने पाँव अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद कर दूं? फिर हजरत उसामा को दुआएं देकर रवाना किया और फरमाया, अल्लाह के रसूल ने जो तुम्हें वसीयतें की हैं उसके मुताबिक करना। फिर कान के करीब आके फरमाया, अगर उमर को मेरी मदद के लिए मेरे पास छोड़ जाओ तो बेहतर होगा। तो उसामा ने क्यों नहीं कहना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उमर को छोड़ देगा। और फिर ये जब गए थे और तो इस जंग में मुसलमानों को कामयाबी हुई। तो इस तरह से तो हजरत इनके बेटे हजरत जैद के बेटे की भी कद्र मंजिलत आपको पता चल गई। इसी तरह उसामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके ऊंट पर बैठे हुए थे जब आपने फतह मक्का के लिए मक्का में एंट्रेंस दी थी, एंटर हुए थे, तो उस वक्त भी हजरत उसामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके ऊंट पे बैठे थे। इस तरह हज्जतुल विदा में भी जब आप अरफा से मुजदलफा जा रहे थे तब भी ये आपके साथ ऊंट के ऊपर सवार थे। पता है ये भी एक बड़ी बात होती है। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज अदा करने के लिए गए थे जब मक्का फतह हुआ था, तो भी अब इनके वालिद तो उससे पहले शहीद हो चुके थे ना, तो तब भी हजरत बिलाल और हजरत उसामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सुभान अल्लाह। फिर ये भी हमें वो एक वाकया मिलता है कि 9 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा को एक लश्कर में भेजा था किसी मुहिम पे, तो वहां पर एक काफिर था जिसको एक अंसारी ने और हजरत उसामा ने घेरे में ले लिया और दोनों ने अपनी तलवारें उठाई उसको कत्ल करने के लिए कि उसने कलमा पढ़ लिया। इस पे अंसारी ने तो अपनी तलवार नीचे कर ली, लेकिन हजरत उसामा ने उसको कत्ल कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अच्छा ये बात बतानी भूल गई कि इससे पहले के वो तलवार चलाते इन्होंने अपनी तलवारें उठाई तो उसने कलमा पढ़ लिया था, तो इस पे अंसारी ने अपनी तलवार नीचे कर ली और हजरत उसामा ने उसको कत्ल कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला तो आपने उसामा को बुलाया और पूछा कि तुमने उसको कत्ल कर दिया जबकि उसने कलमा पढ़ लिया था?
तो वो फरमाने लगे तो उसने तो सिर्फ कलमा इसलिए पढ़ लिया था कि उसको कत्ल करने लगे। आपने फरमाया क्या तुमने उसका सीना चीर के देखा था? तुम क्या करोगे उसामा कयामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे तुम क्या करोगे? यानी उसने ये पढ़ दिया था तो उसके बाद तुम क्या कहो? वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते गए हत्ता कि उसामा फरमाते हैं काश काश के मैंने ख्वाहिश की कि काश मैं आज इस्लाम लाया हूं। तो वो चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे मगर जहां पे गलती थी देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानदेही भी की। तो इस तरह ये बाप और बेटा नबी अलैहिस्सलाम को बहुत महबूब थे और आखिर वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा को जो लास्ट लश्कर आपने भेजा तो उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसका अमीर बना के भेजा। अल्लाह ताला इन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें इनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहद अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allah